हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम सिंगरे, जिनको मोंगरे भी बोलते हैं, उनकी सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये कुछ इस तरह के होते हैं, जिनको हमने दोनों किनारे से ना कट कर लिया है और कुछ इस तरह से काट लिया है। थोड़े बड़े काट सकते हैं, छोटे चाहें तो आप छोटे काट सकते हैं। तो ये मैंने 250 ग्राम लिए हैं। ये आलू हैं दो मीडियम साइज के, एक चम्मच अदरक ग्रेट कर लिया है, दो प्याज को हमने बारीक काट लिया है, प्याज इसमें टेस्टी लगती है, एक हरी मिर्च ले ली है, 8 से 10 कलियां लहसुन की ली हैं, एक टेबलस्पून सरसों का तेल हमने डाल के अच्छे से गर्म कर लिया था। सबसे पहले उसमें हम ये सिंगरे जो हैं, मोंगरे जिनको बोलते हैं, इनको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे इनको पहले, ताकि सब्जी में ज़्यादा टाइम ना लगे और कलर भी इनका फिर हरा बना रहता है। तो सिंगरे को हम भूनेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। 4 से 5 मिनट हो गई हैं और ये अच्छे से, आप अगर एक पीस खा के देखेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से क्रंची भी है और गल भी गया है, कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, पहले इसे फ्राई कर लेंगे तो सब्जी गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने सब्जी को ऐसे निकाल लिया है प्लेट में, देखिए, और इधर हमने 1 टेबलस्पून तेल को वापस डाल दिया है। अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच जीरा, इसको तड़कने देते हैं। सरसों का तेल आपको पका के ही यूज करना है, जब भी सरसों का तेल डालेंगे ना उसको पका के यूज करना। जीरा भुनने के बाद हम डाल रहे हैं लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, इसका फ्लेवर इसमें अच्छा आता है, लेकिन अगर नहीं खाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, तब भी सब्जी टेस्टी बनेगी। लहसुन के साथ साथ डालेंगे हम इसमें मिर्च, हरी मिर्च कटी हुई, एक पिंच हींग डाल देंगे, ये भी ऑप्शनल है, मैं इस सब्जी में डालती हूँ। और अब हम डालेंगे इसमें प्याज, ये देखिए प्याज को भूनेंगे हम, हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। तेल आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ही मैंने लिया है। इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा लिखती हूँ, तो मसाले जो भी डालते जाएंगे वो हम लिख देंगे। एक बड़े टमाटर को भी कद्दूकस करके हम इसमें डालने वाले हैं। तो ये प्याज भूनने की करते हैं इंतज़ार। ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, नमक, क्योंकि नमक हम मैंने ना थोड़ा सा उसको भूनते हुए भी डाला था, फलियों को जो मोंगरे थे ना उनको भूनते हुए मैंने थोड़ा नमक डाला था, जो मैं आपको बताना भूल गई। तो ये नमक डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर 2 चम्मच, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, इसको मिक्स करते हैं। और साथ साथ हम मसाला डले नहीं, जले नहीं, इसके लिए हम इसमें साथ साथ डाल रहे हैं टमाटर। एक चम्मच हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च, ताकि सब्जी का कलर जो है वो बहुत अच्छा आए, और इसको भूनने तक हम इसको पकाएंगे। अब हम डाल देंगे इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक। टमाटर के साथ ना अदरक बहुत अच्छे से भुन जाता है, अदरवाइज प्याज के साथ ना नीचे कढ़ाई में लगने लगता है, तो मैं इसी तरह से डालती हूँ, आप भी इस तरह से डाल के देखिएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर इसका अदरक का आएगा, जलेगा नहीं। मसाला देखिए अच्छे से भुनना शुरू हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ आलू, इसको मिक्स करेंगे। हमने आलू को ना पानी में भिगो के रखा था, ताकि आलू जो है वो काला ना पड़े, तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, बहुत थोड़ा सा, ताकि वो लगे नहीं सब्जी। और इसको हम आलू को भी ना 2 से 4 मिनट ऐसे भूनेंगे। आलू को भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गया है, अच्छा फ्लेवर, अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम डाल देंगे ये मोगरा, सिंगरे, इनको डाल देंगे। देखिए कितना ग्रीन कलर है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और थोड़ी देर ना हम इसको ढक के पकाएंगे।
देखिए कितनी बढ़िया ये सब्जी लग रही है, और 3-4 सर्विंग के लिए है ये। और आजकल मटर खाते खाते, गोभी खाते खाते, गाजर खाते खाते हमें लग रहा है कि कुछ अलग खाया जाए, तो ये मूली के ऊपर लगते हैं। मूली जिन दिनों पक जाती है ये बहुत बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो इसको पकाते हैं ढक के। ये देखिए थोड़ी देर ढककर और कुछ देर हमने इसको खुला ऐसे पका लिया है, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये आलू गल गए हैं। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, टेस्ट करके देखी है। अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए हमारी यम्मी सी सब्जी जो है वो बनकर तैयार है। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।